Hey guys, welcome back to my Study View channels, and today we will discuss the NVS Navodaya Vidyalaya Samiti की कटऑफ के एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि उसके आंसर की 18 जनवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है और आप लोगों को 4 डे का टाइम से आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आप अपने आंसर का की कैसे चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट ने अपने आंसर की को चेक आउट कर लिए होंगे और काफ़ी लोगों को अपना जो है कट ऑफ अपना नंबर पता चल गया होगा और कट ऑफ की कुछ ना कुछ तो उन्हें अनुमान हो गया होगा। तो आपको जो भी अनुमान हुआ, लेकिन पहले मैं यहाँ पर कुछ NVS नवोदय विद्यालय के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रखने वाला हूँ, तो बने रहे, जुड़े रहे मेरे साथ। और चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का दबाना ना भूले और अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि मैं जो है पूरे आज नवोदय विद्यालय समिति के कट ऑफ एंड एग्ज़ाम को उसके एनालिसिस फुल कर पाऊँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूँ, NVS की जो एग्ज़ाम हुई थी वो हुई थी 12 जनवरी टू 14 जनवरी। काफ़ी स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशंस में और एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया। तो एग्ज़ाम की बात कर ले तो देखिए, जैसे कि हम जानते थे कि पहले जो था वो हिंदी और इंग्लिश, दो हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आए थे हुए थे जो बेसिक टाइप के थे, इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपके इसमें 20 आउट ऑफ 15 नंबर्स आ रहे हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में। हिंदी की बात करें तो हालांकि हिंदी में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, संधि विच्छेद थे, विलोम शब्द से थे, प्रवाची शब्द, मतलब बेसिक टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस थे जो इजी लेवल के ही थे। इंग्लिश में क्वेश्चन आए हुए थे वो idiom एंड phrases से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आए थे, synonyms थे, antonyms थे, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैं मानता हूँ ये ईजी लेवल के ही क्वेश्चन थे। तो 20 आउट ऑफ जिसके भी 15 नंबर आ रहे हैं तो वो समझिए गुड अटेम्प्ट में है। ओके, नेक्स्ट जो था वो था जी के एंड जी ए में बात करें तो इजी टाइप के ही थे, 20 आउट ऑफ 50 आपके आ रहे हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में हैं। जीके में देखिए हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे, करेंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार यदि आप 20 आउट ऑफ 50 अगर इसमें आ रहे हैं आपके तो आपके चांसेस हैं कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ में आपको क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में फ्रेंड्स यदि आपके 20 आउट ऑफ 14 आ रहे हैं जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के मैं मानता हूँ, मैथ का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। देखिए बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए थे, बेसिक अर्थमेटिक से, लाइक देखिए इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस आए थे, स्पीड एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चंस आए थे, इस प्रकार से कुछ बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यदि आप 20 आउट ऑफ 14 आ रहे हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ये था इसका लेवल मैथ का, तो ये आ रहा है तो आप गुड अटेम्प्ट में है। ओके, नेक्स्ट जो था वो था रीजनिंग में यदि आपके 20 आउट ऑफ 18 आ रहे हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में है। मैं मानता हूँ काफ़ी लोग के आ रहे होंगे क्योंकि जो रीजनिंग सेक्शन था वो काफ़ी इजी था, मैक्सिमम लोग 18 अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे तो आप गुड अटेम्प्ट में। ओके फ्रेंड, थोड़ा देखिए
कंप्यूटर लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ, थोड़ा टफ था, क्योंकि इसमें जो है एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यहाँ से पूछ लिए गए थे, तो ये थोड़ा टफ था। ओके फ्रेंड, तो यदि 20 में इसमें 12 आपके आ रहे हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में हैं, जो जिसका लेवल जो था थोड़ा हार्ड था। ओके फ्रेंड, तो कंप्यूटर में मैं मानता हूँ कि अगर 20 में आपके 12 आ रहे हैं तो आप गुड अटेम्प्ट में हैं। ओके फ्रेंड, ओवरऑल पूरे पेपर की बात करें तो मैं मानता हूँ पेपर का जो लेवल था वो आसान था। और इसके कट ऑफ की बात करें तो देखिए, जो एलडीसी का जो पहला बात पोस्ट को देख लेते हैं, एलडीसी के जो पोस्ट थे वो लगभग 450 थे, और टाइपिंग के लिए जो बुलाए जाएंगे वो एक सीट पे 3 लोग, यानी कि 1350। ओके, इतने लोग को टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरी बात, पेपर का जो लेवल था वो 70% ईजी था, और 30% पे ही इसके जो है मेरिट या कट ऑफ पे फाइट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो थी वो है अप्लाइड फॉर और सोशल कैटेगरी। ये बहुत माइंड देने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, फॉर्म भरते समय आपने अप्लाइड फॉर कैटेगरी, यदि आप एससी से हैं तो एससी से यदि आपने कैटेगरी को अप्लाइड किया तो आप सिर्फ एससी कैटेगरी वालों से ही आपका जो है कट ऑफ प्रिपेयर होगा, और यदि आप एससी हैं और फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई कैटेगरी जनरल चूज़ कर लिया है तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है जनरल से ही कट ऑफ को कंपेयर किया जाएगा, आपको एससी से नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एससी थे लेकिन आपने जनरल को अप्लाइड कर दिया है फॉर्म भरते समय, यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं और एससी का जो है वो कट ऑफ और एससी का कट ऑफ यह है 63 और जनरल का किया है 70, तो आप बाहर हैं, आप जो है कंपटीशन से बाहर हैं। यहाँ पर आपको कट ऑफ जो है आपका वो जनरल से ही कंपेयर किया जाएगा, एससी से नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट यदि 70 to 76 के बिटवीन में अगर नंबर आ रहे हैं तो उनका चांस बनता है कि वो नवोदय विद्यालय समिति को क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल कैंडिडेट यदि 70 to 76 के बिटवीन में उनका नंबर आ रहा है तो उनका क्वालिफाई करने का उनका कट ऑफ बन रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो यदि ओबीसी वालों का 65 to 69 के बिटवीन आ रहा है तो उनका भी चांस है कि वो उनका कट ऑफ बन रहा है और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी की बात करें
तो 61 से 64 के बीच में आ रहे हैं, आपका मार्क 64 के बीच में आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका कट ऑफ बन रहा है। ओके, एंड एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 57 टू 60 के बीच में आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि आपकी आंसर की पब्लिश हो गई है और आपने अपने मार्क्स को जो है मैच कर लिया होगा। अब वेट है नवोदय विद्यालय समिति की फाइनल मार्क्स के, फाइनल कट ऑफ की। तो जो मैंने अभी कट ऑफ बताया है, जिन लोगों का आ रहा है इनसे, तो वो उनका चांस बनता है कि वो ये क्वालिफाई कर जाएंगे इसको। ओके फ्रेंड, तो यही था नवोदय विद्यालय समिति के कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी। बने रहें, जुड़े रहें, कीप वॉचिंग माई स्टडी विद चैनल। थैंक यू।